हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम ये देखेंगे कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को हमारे मर्जी के बिना कोई यूज़ तो नहीं कर रहा यार। कई बार ऐसा होता है, हम हमारे दोस्तों को इंस्टाग्राम अकाउंट दे के रखते हैं, बट वो किसी और को इंस्टाग्राम अकाउंट दे देते हैं, जिसका वो आदमी जो है उस अकाउंट का गलत उपयोग करने लगते हैं। तो इसी को हम नहीं जान पाते कि वो भी अकाउंट हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अकाउंट को कोई और व्यक्ति यूज़ तो नहीं कर रहा। अगर यूज़ कर रहा है तो उसको भी आप वहीं से रोक सकते हो। लेकिन उसमें इस वीडियो में आपको पूरा इसमें हैकिंग को कैसे रोका जाता है वो वाली वीडियो नहीं है। अगर वो वाली वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो पे आप कमेंट कर देना। तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को कौन कौन यूज़ कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अब टाइम आ गया है कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को कौन कौन यूज़ कर रहा है ये देखने से पहले आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को एक बार अपडेट कर लेना, ताकि मैं जो बताऊंगा ऑप्शन वो ऑप्शन आपके ऐप में भी दिखे। अब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है जो प्रोफाइल वाला पेज होता है वहाँ पर, प्रोफाइल वाले पेज में जाना है आप। उसके बाद आपको जाना है 3 डॉट वाली यहाँ पर लाइन है, वहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके आपको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको ये जाना है सिक्योरिटी चेकअप में। सिक्योरिटी चेकअप में जाने के बाद यहीं पर आपको दिखेगा 2 फैक्टर, वो वाला ऑप्शन में आपको जाना है। ये वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाएगा ट्रस्टेड डिवाइसेस, यहाँ पर जाना है। यहीं पे आपको उन सारे डिवाइस का नाम दिख जाएगा जो डिवाइस में आपके अकाउंट ओपन है, लॉगिन है। तो यार यहाँ पर आपको लोकेशन जो है गलत लोकेशन बताता है, इससे आपको घबराने की नहीं। आप अपने मोबाइल के डिवाइस का नेम देखना और एक्टिव नाउ ये भी दिखाएगा जो ग्रीन कलर में है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ इस मोबाइल पे आपका अकाउंट जो है अभी एक्टिव है। आप यहाँ पर 3 डॉट का निशान दिख रहा है, वहाँ से आप जो डिवाइस आपके जानकारी से बाहर है वहाँ से आप यहाँ पर जाके 3 डॉट से रिमूव डिवाइस यहाँ पर करके रिमूव कर सकते हो। यार इस यहाँ से रिमूव करने पर वो बंदा फिर से लॉगिन कर सकता है। जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम हैकिंग को कैसे रोका जाता है, इसका भी सॉल्यूशन आपके भाई के पास है। आपको जानना है तो यही वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आने वाले अगली वीडियो में ला लूँगा वही वीडियो। यार ये तो रहा एक ऑप्शन, और कई बार होता है कि ये ऑप्शन हर किसी मोबाइल में नहीं आ पाता। अपने भाई के पास दूसरा ऑप्शन भी है, आपको बैकअप पे पूरा चल दे जाना है। फिर आपको वही वाला जाना है प्रोफाइल पेज में। प्रोफाइल पेज में जाने के बाद ये 3 लकीर वाला है, वहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग पे जाने के बाद आपको सिक्योरिटी पे चले जाना है। सिक्योरिटी में चले जाने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर सेकंड वाले में लॉगिन एक्टिविटी में जाना। फिर यहीं पर आपको यहाँ भी दिख जाएगा कि कौन कौन से डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन है। यहाँ भी वैसे ही एक्टिव नाउ करके दिखाएगा अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तो। आप यहां से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिवाइस आपका है, यानी कि यहां पर मोबाइल का नाम भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैं चला रहा हूं वीवो, तो यहां पर मेरा वी लिखा हुआ है। यार अभी कोई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई अदर व्यक्ति हो या फिर कोई अन्य चीज़ डिवाइस में यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर केवल मेरा ही डिवाइस दिखा रहा है। हालांकि लोकेशन अलग दिखाता है यहां पर, तो लोकेशन से घबराना नहीं। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर इसको मेरे जानकारी से बाहर है, तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट भी कर सकता हूँ। यार ये तो था कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को कौन कौन चला रहा है कौन से डिवाइस में। यहाँ पर उस बंदे का नाम नहीं आता, बस जिस डिवाइस में चलाया जा रहा है आपका अकाउंट उस डिवाइस का नाम आ जाता है। और आप इस चीज़ को रोकना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। यार आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप इंस्टाग्राम हैकिंग को भी रोकना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था व्हाट्सअप अकाउंट को हैकिंग से कैसे रोका जाता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं।
और अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट के हैकिंग को भी रोकना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं आने वाले अगली वीडियो में वही वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।